हरियाणा स्टेट कौशिकी चैंपियनशिप फरीदाबाद के श्रीराम स्कूल सेक्टर 21 में संपन्न हुई। इसकी क्लोजिंग सेरेमनी श्रीमती सीमा त्रिखा जी ने की। उनके साथ श्रीराम मॉडल स्कूल की चेयरमैन अमृता ज्योति ने भी सभी को मुबारकबाद दी और मेडल प्रदान किए। सभी मेडल विजेताओं को मुबारकबाद भी दी। हरियाणा स्टेट कौशिकी चैंपियनशिप में लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट और 15 स्कूल क्लब ने भाग लिया, जिसमें फर्स्ट टीम की ट्रॉफी श्रीराम स्कूल सेक्टर 21 को मिली, सेकेंड ट्रॉफी मिस्टर बी एन खोरिया स्कूल और थर्ड ट्रॉफी श्रद्धा मंदिर को मिली, जिसके टीचर उमेश कुमार थे। फर्स्ट ट्रॉफी के विनर श्रीराम स्कूल सेक्टर 21 इनके कोच शहनवाज मियां ने प्रथम स्थान अपनी टीम को दिलाया। अधिक गोल्ड होने के कारण श्रीराम स्कूल को पश्चिम ट्रॉफी घोषित की गई। हरियाणा कौशिकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर सैयद फिरोज ने हरियाणा स्टेट कौशिकी चैंपियनशिप ग्रैंड सक्सेस होने की मुबारकबाद सभी डिस्ट्रिक्ट और सभी ऑर्गेनाइजर को दी। इस पर श्री राम मॉडल स्कूल की चेयरमैन अमृता ज्योति के द्वारा बताया गया कि चैंपियनशिप में लगभग 200 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। नमस्कार, मैं हूं दीपाली त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आज हम यहां पर आ बैठे एक ऐसे इवेंट में जो कि बच्चों के लिए नहीं सिर्फ युवाओं के लिए भी और महिलाओं के लिए भी बहुत लाभदायक है। हम सब जानते हैं कि सेल्फ डिफेंस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे महिलाओं के लिए। आज ऐसे ही इवेंट पे हम आज पहुंचे हैं और आइए जानते हैं इनसे कि ये इवेंट क्यों हो रहा है। और मैं इस संस्था में जो है HOD हूँ और आज हमें हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमें राज्य स्तरीय कौशिकी का आयोजन करने का मौका मिला और यहाँ पर राज्य के सभी जिलों से बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया और यहाँ पर हमारी जो दीदी हैं, जो हमारी प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अमृता ज्योति, उनके सहयोग से और हमारे सभी स्टाफ के सहयोग से सब और हमारे जो सैयद जी हैं उनके सहयोग से ये अच्छा आयोजन सफल आयोजन रहा और उसमें बच्चों ने अपना जो है हमारे स्कूल के बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की और सेकंड पोजीशन जो है दूसरा अपना सरदानंद हाई स्कूल का रहा, तीसरा स्कूल हमारा एक दूसरे ज़िले से आए हुए जो है उनका रहा और हम बड़े आभारी हैं कि हमें जो है सैयद जी ने इस आयोजन के लिए सपोर्ट किया और हमें चुना और हम इसी तरह से चाहेंगे कि और भी कोई भी संस्था आके हम बच्चों के खेल के विकास के लिए ये सब काम करते रहें। हमारी संस्था बीच बीच में इस तरह के आयोजन करवाती रहती है और हमारी मैनेजमेंट का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि बच्चों के विकास के लिए जो भी कार्यक्रम किए जाए उन्हें अच्छे से सफल किया जाए और ये क्योंकि हमारी संस्था के लिए हमारे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। जी, तो आपको मतलब कैसा लग रहा है कि आपके स्कूल के बच्चे इतने मतलब हाई पोस्ट पर हैं, अभी फर्स्ट पोजिशन ला रहे हैं, सेकेंड पोजिशन ला रहे हैं? हमारे स्कूल के बच्चे काफ़ी लंबे टाइम से इसमें भाग लेते आ रहे हैं। CBSE में श्रीराम स्कूल के बच्चों ने नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया है। केवल ये मार्शल आर्ट ही नहीं, हमारे स्कूल के जो योगा की टीमें हैं उन्होंने हरियाणा की तरफ से रिप्रेजेंट किया है नेशनल में, जो असम साइड में हुआ था वहाँ पे। और स्कूल वो प्रशासन वो बाकी जो मैनेजमेंट स्टाफ है पूरा इसमें पूरा सहयोग करता है। हर तरह के स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो चाहे वो एकेडमिक एक्टिविटी हो सभी में भाग लेता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका स्कूल मतलब स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी लाभदायक भी और सहायता भी करता है। ये आने वाले टाइम पर हर लोगों के लिए अच्छा है, यहाँ पे मतलब महिलाओं के लिए तो खास तौर अच्छा है कि आप ये इतना मतलब बड़ा काम कर रहे हैं सपोर्ट करके। सुरजीत सिंह मतलब आज जो ये इवेंट हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है जो इस इवेंट होते रहना चाहिए, बच्चों को इससे अच्छी सपोर्ट मिलती है, उनका भी मोरल हाई होता है और सपोर्ट वैसे भी ज़रूरी है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ये होता रहना चाहिए। और हमारा स्कूल वैसे भी बच्चों को ये आगे बढ़ाता रहता है स्पोर्ट्स में और बहुत स्पोर्ट्स में हमारा स्कूल रेगुलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर के, जो इन्होंने ये टेक्निकल मतलब जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं उन्होंने किस तरह से ये आयोजित किया है। हेलो मैम, ये इवेंट हरियाणा स्टेट कौशिकी की चैंपियनशिप थी जो कि यहाँ ऑर्गेनाइज की गई और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया इसको और यहाँ करीब 200 से 250 बच्चों ने हरियाणा के पार्टिसिपेट किया और ये कौशिकी में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है कि किसी स्टेट ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट कराया। हमने सारे मैच यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर कराए हैं जो कि पहली बार हुआ है किसी भी स्टेट में और बहुत अच्छा रहा, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। मतलब कि यहाँ पे बच्चों को सब पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है अच्छे से खेलने गेम स्पोर्ट्स को लेकर आगे बढ़ने के लिए? बिल्कुल, बच्चों को भी मिल रहा है और कोच भी सेटिस्फाई होके जा रहे हैं क्योंकि मोस्टली गेमों में क्या होता है कि कोचिज का बच्चों को रहता है हमारे साथ चीटिंग हो गया, तो चीटिंग को रोकने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया
और यूज़ किया ताकि बच्चे को स्कोर पता चल सके कितना मेरा स्कोर आ रहा है और कितने पॉइंट से मैं आगे चल रहा हूँ, कितने पॉइंट से मैं हार रहा हूँ। आइए आइए जानते हैं बच्चों से कि उनको कैसा लगा इन सब में पार्टिसिपेट करके। आप लोगों को कैसा लगा इसमें पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा। तो आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है इस पे? हाँ। तो मजा आ रहा है ना पूरी तरह से? आगे क्या करना चाहते हैं मैम? और आगे बढ़ना चाहते हैं इसी में, स्पोर्ट्स में? यस मैम। अच्छा, कौन सी पोजीशन की ट्रॉफी है ये? सेकंड। आप सबकी ये ट्रॉफी? यस मैम। ओके, तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि इन बच्चों में कितनी उत्साह है और कि ये इस ट्रॉफी को लेकर इनमें कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है कि ये आगे भी इसी में कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये तो था बच्चों का उत्साह। आइए जानते हैं कि उनके फिजिकल टीचर का क्या कहना है इस पर। आपका नाम? शानू सर। शानू जी, आपको मतलब क्या क्या दिक्कतें आती हैं बच्चों को ये सब सिखाने में? नहीं, बच्चे सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, जो समझाया जाता है वो समझते हैं और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम लोग टीचर्स कराते हैं वो फॉलो करते हैं कौशिकी मार्शल आर्ट। तो आपको मतलब कि अच्छा लगता है ये सब, मतलब बच्चे जितने भी उनकी दिक्कतें हैं वो आपको आपको बताते हैं और शेयर करते हैं, तो आप उनका सलूशन कैसे निकालते हैं? किसी भी बच्चे की कोई दिक्कत होती है तो उसकी सलूशन निकालना बहुत आसान होता है। बच्चे से पूछा जाता है उसको क्या दिक्कत है, उस दिक्कत पे बात करके उसको निकाल लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये जो फाउंडेशन मतलब ये पोटेंशियल है यहाँ तक पहुँचाने में आपको किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, कौशिकी एक फाउंडेशन एक अपने आप में जापानी गेम है, इंटरनेशनल लेवल का गेम है। जैसे जस्ट लाइक ताइक्वांडो का गेम है साउथ कोरिया का, वैसी एक जापान्स का गेम है ये। 5 साल हुए इसको इंडिया में आए हुए और स्पोर्ट्समैन के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत बहुत सारी होती है पर उनके लिए एक ज़रा सी दिक्कत होती है, ज़रा सी सोल्यूशन निकालते हैं वो सब कुछ ख़त्म हो जाती है दिक्कत। ये तो जो स्टेट लेवल पे था ये गेम जो था, अभी आप इसे मतलब कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? ये हरियाणा स्टेट है, इसके बाद इसकी अगर नेक्स्ट मंथ में नेशनल चैंपियनशिप है, तो जिन बच्चों ने गोल्ड मारा है वो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि यहाँ पे हरियाणा स्टेट कौशिकी चैंपियनशिप किस तरह से स्पोर्ट्स को क्या कहते हैं आप बढ़ावा दे रहा है। आज के ज़माने में हम सब जानते हैं कि सेल्फ डिफेंस टाइकून आना ये छोटे बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ नज़र टुडे पे। धन्यवाद।